खाते में आ गए 10-10 हज़ार रुपये, स्टेटस चेक करें। सहारा निवेशकों को मिलने लगा फंसा पैसा। सहारा निवेशकों को मिलने लगी फंसी हुई रकम। बड़ी अपडेट जागरण ब्यूरो से है जो हमारे पास अभी अभी 2 मिनट पहले आई है। बड़ी अपडेट नई दिल्ली से। सहारा समूह की समितियों में निवेशकों को वर्षों से फंसी मोटी रकम वापसी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पहले चरण में 112 निवेशकों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये सीधे ट्रांसफ़र किए। उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि पाई पाई लौटाई जाएगी। बड़ी अपडेट दोस्तों जो आपके लिए लेकर आए सारा रिफंड से रिलेटेड है। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पूरी अपडेट पता चल सके क्या है। 112 लोगों के खातों में अमित शाह ने पहले चरण में पहुंचाई 10-10 हज़ार रुपये की रकम। पोर्टल पर अब तक 33 लाख निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सहारा की 4 सहकारी समिति करीब 10-10 हज़ार करोड़ निवेशकों सॉरी करीब 10 करोड़ निवेशकों की रकम फंसी हुई है। शाह ने कहा कि आज क्योंकि छोटे निवेशकों का पहला अधिकार है, आने वाले समय में सबके पैसे लौटाए जाएंगे। प्रथम चरण विश्लेषण के आधार पर दावों के सत्यापन एवं त्वरित जांच के लिए न्याय मित्र की मदद से मानव संचालक प्रक्रिया बनाई जा रही है। ऑडिट व प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली किस्त में और केंद्र सरकार पाई पाई वापस दिलाने के लिए प्रयासरत है। शाह ने कहा कि सरकार गरीब व मध्य वर्ग अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। यानी कि यहाँ पर अमित शाह द्वारा ऐलान किया गया है कि मध्य वर्ग गरीब निवेशकों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को पोर्टल शुरू करते हुए कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा यहाँ पर ये रिफंड प्रक्रिया चालू है। सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। यहाँ पैसा ऐसे निवेशकों को प्रदान किया जा रहा है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अनेक निवेशकों के खाते में अब तक सफलतापूर्वक राशि भेज दी गई। वर्तमान समय में भी राशि भेजने की प्रक्रिया चालू है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब